বাইদেউর পাছতে আমি রাইজক সম্বোধন করবলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো। রাজ্যিক মহিলা মর্চার মাননীয় সভানেত্রী অপরাজিতা ভূঞা বাইদেউ। অসম গণ পৰিষদৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ মনোনীত পাৰ্টি শ্ৰীযুতা সুৰবিৰাজ কোঁৱৰী বাইদেউ প্ৰমুখ। जिस धरती ने असम के प्रति सांस्कृतिक इतिहास रचा, जिस धरती से असम के कल्याण की सतत बातें उठी और आज वही धरती विकास के लिए एक बेटी को प्रत्याशी बनाकर हाथ में कमल का फूल दिए, ये विश्वास आपके सामने व्यक्त करने आई है कि अगर विकास को हर घर पहुंचाना है तो कमल का बटन दबाना है और सुरभि जी को जिताना है। इस मंच की आज शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे वरिष्ठ नेता एवं सांसद कामाख्या प्रसाद ताशा जी। इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्षा आदरणीय अपराजिता जी। इस मंच से आज वंदन करते हैं हम जनता का, क्योंकि मंच पर विराजमान है हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय पुतुल जी और एजीपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय घना गोगोई जी। आज ये हमारा सम्मान है, ये हमारा अभिमान है कि भीषण गर्मी के बावजूद आज महिलाएं स्नेह भरे आशीर्वाद को सुरभि जी तक पहुंचा रही हैं और सम्मानित भाई आज इस विश्वास के साथ यहां पधारे हैं कि आज इस मंच पर जो नेतृत्व विराजमान है उस नेतृत्व के माध्यम से ही असम का, इस विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास संभव है। बात जब विकास की होती है तब सुरभि जी का मैं उद्बोधन सुन रही थी, उन्होंने शिवसागर का इतिहास कांग्रेस की दृष्टि से प्रतिस्थापित किया। इस विश्वास के साथ उन्होंने आप सबको संबोधित किया कि पिछली बार जो कमी रह गई वो इस बार पूरी हो जाएगी और जनता जनार्दन पोलिंग बूथ पर जाएगी और कमल का बटन दबाएगी। जब जनता जनार्दन के मध्य में कमल के बटन को दबाने का निवेदन लेकर आती हूं, मेरा आग्रह प्लीज प्रेस के सारे भाई यहां आ जाएं। जब जनता जनार्दन के मध्य में विकास की बात रखने आई हूं तब सुरभि जी का भाषण सुनने के बाद एक बात बताना आपको उचित रहेगा। वर्षों वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में सत्ता का सुख भोगा, वर्षों वर्ष कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में विकास के कई सपने दिखाए, लेकिन विकास धरातल पर फलीभूत तब हुआ जब साल 2014 में आपने कमल का फूल देश की संसद में खिलाया और नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता को चुनकर आपने दिल्ली भेजा था जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बावजूद उस नेतृत्व के चलते अगर आप 13th फाइनेंस कमीशन के आवंटन को देखें तो 60,000 करोड़ रुपया भी कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने असम के विकास के लिए नहीं भेजा था। सुरभि जी, जब आप बात करती हैं मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, विकास के ये काम तो तभी संभव हो पाएंगे जब केंद्र की सरकार से, देश की सरकार से प्रदेश की जनता के लिए पैसे आएंगे। इसलिए आज मेरा ये गौरव है ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जी को 2019 के चुनाव में आपने फिर से जितवा कर देश का प्रधान सेवक बनाया और हाल में 15 वित्तीय आयोग की वजह से, 15th फाइनेंस कमीशन की वजह से
1,70,000 करोड़ रुपया असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने असम के लिए सुनिश्चित किया है। कहा कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार जो 60,000 करोड़ रुपया भी नहीं दे सकती थी असम के लिए, और कहा मोदी जी की सरकार जिन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, असम की जनता के लिए सुनिश्चित किया। लेकिन निर्णय आपको करना है, दिल्ली से ये पैसा असम की तिजोरी में आएगा लेकिन जनता तक तभी पहुंच पाएगा जब जनता पोलिंग बूथ पर 27 को जाएगी और कमल का बटन दबाएगी। आज जनता जनार्दन यहां उपस्थित है, मैं आपसे 2-3 प्रश्न करना चाहती हूँ। कोविड की महामारी इतनी भयंकर आई, पूरी दुनिया में एक ही चिंता थी, एक ही प्रश्न था कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता इस महामारी से कैसे जूझ पाएगी। पूरी दुनिया में एक ही चर्चा थी कि यहाँ पर 80 करोड़ जनता हर दिन किसी ना किसी संघर्ष से गुजरती है, उस 80 करोड़ जनता का पेट कैसे भर पाएगा। आज ये गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि केंद्र में पहली बार एक ऐसी माननीय सरकार आई जिसके प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि हम 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक का मुफ्त राशन घर घर जाकर पहुंचाएंगे। जीवन में पहली बार टॉयलेट बनाकर अगर किसी ने दिया तो वो मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए आप जनता से कहने आई हूँ, सोचिए आप हिंदुस्तान की हालत क्या थी। एक परिवार में अगर 3 लोग भी रहते हैं तो जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने ऐसे 30 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास घर में शौचालय तक नहीं था। अरे जो कांग्रेस पार्टी गरीब के घर में शौचालय नहीं बना पाए सुरभि जी, वो शिवसागर में मात्र 425 मैं पराजित हो जी बर्ब आज प्रार्थी हिसाब से घोषणा कर मैं एटा पद लैस जी 60 बसर शिवसगर एक नल जी 60 बसर एक नल 5 बसर कि सुरभि राजगुरी शिवसगर उन्नयर कारण सुरभि राजगुरी आगे मन रख शिवसगर अब उन्नयन 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 बहु समय आम देखने पाल बहु शिक्षित मानुक शिवसगर समस्ि तो गटाई।